उद्योगपति हेमंत नीमा के ड्राइवर की हत्या के मामले में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। मामले में पुलिस ने हेमंत नीमा, उसके बेटे पीयूष, रिश्तेदार कुणाल नीमा, दूसरे ड्राइवर जगदीश, ड्राइवर मोहन, गनमैन लोकेश और कर्मचारी सोनू को आरोपी बनाया था। इन सभी आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके बाद आरोपियों की संख्या 7 हो गई है। बताया जा रहा है कि बेटे के साथ हुई हरकत के बाद हेमंत नीमा ने ड्राइवर प्रमोद का अपहरण किया, उसके बाद बंगले पर लाकर हाथ पैर बांधे और बुरी तरह मारपीट की, जिसके बाद ड्राइवर प्रमोद की हालत बिगड़ी तो उसे इलाज के लिए नर्सिंग होम लाए, लेकिन डॉक्टर द्वारा इलाज करने से मना करने पर उसे वापस ले जाने लगे। इस दौरान ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। रात भर शव को बंगले में रखने की बात सामने आई है, उसके बाद कार में शव को भैरूघाट जाकर फेंक दिया। फिलहाल ड्राइवर हत्याकांड मामले में पुलिस की पड़ताल जारी है। बुधवार को भी पुलिस ने केसरबाग रोड स्थित बंगले पर पहुंचकर कमरों व ऑफिस की सर्चिंग की। फिलहाल पुलिस हत्याकांड से जुड़े हर मामले की बारीकी से जांच कर रही है। अभी 4 आरोपी और बड़े हैं, जिसमें कुणाल है, सोनू ठाकुर है और लोकेश और मोहन। 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, आज इनको कोर्ट पेश किया जाएगा। सर, इनके कुछ पूछताछ में बताया सर, इन्होंने पूछताछ में बताया कुछ चीज है जिनके आधार पर इनको आरोपी बनाया गया है, इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। सर, कल घर पे भी ले गए थे, कुछ घर पे कुछ जब्ती उब्ती हुई? हाँ, महत्वपूर्ण साक्ष्य हाथ में लगे। सर, कुछ पछतावा है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, तो कुछ पछतावा कर रहे हैं पुलिस के सामने, किसी तरह का कुछ बता रहे? पछतावा के संबंध में हमने पूछताछ ही नहीं की, हम तो अपराध के संबंध में पूछ रहे हैं।